Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. मैं अमजद खान हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और वीडियो और के साथ हाजिर हैं और आज का जो आर्टिकल है ये भी द पाकिस्तान ऑब्जर्वर से है. और काइंडली जो चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे एंड वीडियोस को लाजमी लाइक कर दीजिए. चले हेडलाइन की तरफ चलते हैं. 12 किल्ड इन कराची राशन स्टैम्पिडी. 12 किल्ड, 12 जो लोग वो है वो हलाक हो गए, मर गए इन कराची, कराची में राशन किस लिए, क्यों मर गए. राशन स्टैम्पिडी यानी राशन वो ले रहे थे. स्टैम्पिडी का मतलब है यानी भगदड़. कोई राशन ले रहे थे तो कोई भगदड़ मच गया होगा तो उसमें ये 12 लोग हलाक हो गए. 9 वोमेन अमंग डेड, जो 9 वोमेन है यानी 9 जो खवातीन हैं अमंग डेड यानी अमंग का मतलब है यहाँ पे इंक्लूडेड यानी इसमें 9 वोमेन, 9 जो है औरतें या खवातीन 9 वो भी इसमें शामिल है इन 12 में से. पुलिस अरेस्ट 7 पीपल, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए 7 लोगों को. गवर्नर सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम कमिश्नर, जो गवर्नर है सिंध का सीक्स वैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में दिखा रहा है लेकिन ये काम हो चुका है यानी इसको हम वैसे पढ़ेंगे शॉर्ट यानी गवर्नर सीक्स, गवर्नर शॉर्ट. गवर्नर ने मांग लिया, क्या मांगा, रिपोर्ट मांग लिया फ्रॉम कमिश्नर, कमिश्नर से यानी इस वाक्य की रिपोर्ट उसने तलब कर ली. चले इन डिटेल देखते हैं. एटलीस्ट 12 पीपल डाइड in a stampede during distribution of zakat among the families of employees working at a private company in Karachi's Sindh Industrial and Trading Estate area on Friday. ye hai ji, at least 12 people died. at least ka matlab hai kam se kam ya तकरीबन 12 जो लोग हैं वो डाइड यानी हलाक हो गए. इन अ स्टैम्पिडी, एक भगदड़ में. कब, ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात यानी ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, किस चीज़ के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात यानी ज़कात के डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान यानी कोई ज़कात तकसीम कर रहे थे उसके दौरान. अमंग द फैमिलीज यानी फैमिली के बीच यानी फैमिलीज़ के बीच वो क्या कर रहे थे, ज़कात तकसीम कर रहे थे. ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो इंडस्ट्रियल एरिया है या फैक्ट्री उनके जो मुलाजिमीन हैं तो उनकी फैमिलीज़ आई थी और उनमें ज़कात तकसीम कर रहे थे वो, तो वहाँ पे ये भगदड़ मच गया. एम्प्लॉयज़ वर्किंग, कौन से एम्प्लॉयज़, वर्किंग एट अ प्राइवेट कंपनी इन कराचीज सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इस्टेट एरिया ऑन फ्राइडे. ये कह रहे हैं कि वो एम्प्लॉयज़ वर्किंग एट अ प्राइवेट कंपनी, जो वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे एक प्राइवेट कंपनी में इन कराचीज, एक कराची के एपोस्ट्रोफीस लगा हुआ है तो ये का के की का सेंस देता है. इन कराचीज सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग इस्टेट एरिया ऑन फ्राइडे, जुमे को. ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया है कराची का तो वहाँ पे बुध यानी जुमे को. द इंसिडेंट अकर्ड व्हेन पीपल वर गैदर्ड एट अ डाइंग फैक्ट्री इन द सिटीज इंडस्ट्रियल एरिया टू कलेक्ट राशन विच इज पार्ट ऑफ चैरिटी ड्राइव्स दैट कराचियट्स होल्ड एवरी रमदान टू हेल्प द नीडी.
ये कह रहे हैं जी द इंसिडेंट अकर्ड, ये जो वाकया हो गया, अकर्ड का मतलब है, इंसिडेंट का मतलब है वाकया, और अकर्ड का मतलब है हो गया, यानी डन हो गया, एक्शन मुकम्मल हो गया। तो ये जो एक्सीडेंट हो गया, द इंसिडेंट अकर्ड, जो एक्सीडेंट हो गया यानी वाकया हो गया, व्हेन, जब पीपल वर गैदर्ड, जब लोग जमा हो गए, एट अ डाइंग फैक्ट्री, डाइंग फैक्ट्री का मतलब है रंगसाज या रंग बनाने वाली फैक्ट्री, कहाँ पे, एट अ डाइंग फैक्ट्री यानी रंगसाज, एक रंगसाज फैक्ट्री में, इन द सिटीज इंडस्ट्रियल एरिया, यानी सिटीज इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे कारखाने वगैरह हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, वहाँ पे, टू कोलेक्ट, किस लिए आए थे वहाँ, जमा हुए थे, टू कोलेक्ट राशन, यानी राशन कोलेक्ट करने में, यानी राशन हासिल करने में, करने के लिए, विच इज पार्ट ऑफ चैरिटी, जो के पार्ट था यानी जो के हिस्सा था किस चीज का, यानी चैरिटी का, यानी खैरात का एक हिस्सा था, यानी खैरात बांट रहे थे। ड्राइव्स दैट, ड्राइव्स का मतलब है चलाना, तो जो कि चलाता है, कौन चलाता है, दैट कराचीटीज, कराचीएट्स, यानी कराचीएट्स का मतलब है कि कराची के जो बाशिंदे हैं वो इसको चलाते हैं। होल्ड एवरी रमदान, होल्ड करते हैं यानी मुनक्कित करते हैं, कराची के जो बासी है वो मुनक्कित करते हैं इसको, एवरी रमदान यानी हर रमज़ान में, टू हेल्प द नीडी, किस लिए, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए, द नीडी यानी ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए कराची के लोग उसको चैरिटी के प्रोग्राम को मुनक्कित करते हैं। दोज किल्ड इन द इंसिडेंट, जो हलाक हो गए यानी इस वाकये में, इंक्लूड 9 वोमेन एंड 3 चिल्ड्रन, ये कह रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट था जिसमें ये बंदे हलाक हो गए, इंक्लूड 9 वोमेन, इंक्लूड का मतलब है जिसमें शामिल है, क्या, 9 वोमेन यानी 9 खवातीन इसमें शामिल है, एंड 3 चिल्ड्रन और 3 जो बच्चे इसमें शामिल है। रेस्क्यू सोर्सेज एंड पुलिस ऑफिशियल सेड, ये किसने कहा, रेस्क्यू के जो यानी जो मददगार है उन्होंने कहा, उनके ज़राए ने कहा, एंड पुलिस ऑफिशियल्स सेड, और पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, पुलिस के जो अहलकार हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कहा। सिक्स पीपल ऑल्सो फेंटेड, जो 6 लोग हैं ऑल्सो, वो भी फेंटेड है यानी बेहोश है, फेंटेड का मतलब है बेहोश हैं, ड्यूरिंग द स्टैम्पेडी यानी स्टैम्पेडी के दौरान यानी भगदड़ के दौरान। Meanwhile, इसी दौरान, meanwhile का मतलब है इसी दौरान, पुलिस officials stated, पुलिस official ने यानी जो पुलिस के अहलकार हैं उन्होंने stated यानी बयान दिया, that के a huge number of people were gathered at the site when the ration was being distributed, यानी पुलिस के ऑफिस ऑफिशियल्स ने स्टेट बयान दिया कि अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, यानी अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल का मतलब है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद, वर गैदर्ड यानी ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनाइट का पैसिव है, यानी वर गैदर्ड वो जमा थे, यानी बहुत सारे लोग जमा थे, एट द साइट यानी उस साइट के ऊपर, उस जगह के ऊपर, व्हेन The ration was being distributed, यानी when का मतलब है जैसे जब, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जहाँ पे, when, यानी जब the ration was being distributed, जब जो राशन है was being distributed passive है यानी वो distribute हो रहा था, यानी past continuous का passive है कि जब राशन वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, जब राशन तकसीम हो रहा था। अ नंबर ऑफ पीपल हु डाइड एज पर सोर्सेज फिल इनटू रेस्क्यू सोर्सेज फिल इनटू अ नाला एट द फैक्ट्री, ये कह रहे जी अ नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे जो लोग थे यानी जो बहुत सारी तादाद थी लोगों की, हु डाइड यानी वो हलाक हो गए, यानी जो हलाक हो गए, एज पर
रेस्क्यू सोर्सेज, यानी एस्पर का मतलब है के मुताबिक, रेस्क्यू सोर्सेज यानी रेस्क्यू सोर्सेज के मुताबिक या रेस्क्यू सोर्सेज के अनुसार। फिल इन टू अ नाला यानी फिल, फॉल का मतलब है गिरना, तो फिल ये सेकंड फॉर्म है, यानी फिल इन टू अ नाला यानी वो नाले में गिर गए। एट द फैक्ट्री यानी जो फैक्ट्री का नाला था उसमें गिर गए, जब भगदड़ मच गया तो उसमें गिर गए वो। ऑल्सो यानी बी, आई विटनेसेस टोल्ड द मीडिया आउटलेट दैट पीपल वर कॉल्ड फॉर ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कह रहे कि जो आई विटनेसेस है, आई विटनेसेस का मतलब है चश्मदीद गवाह, यानी जो मौका पर मौजूद थे और उन्होंने देखा उनको कहते हैं चश्मदीद गवाह यानी आई विटनेसेस, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। टोल्ड द मीडिया आउटलेट, उन्होंने मीडिया से कहा, मीडिया आउटलेट, आउटलेट का मतलब है तंजीम यानी मीडिया की जो तंजीमें हैं उनसे कहा। दैट के पीपल वर कॉल्ड यानी पीपलों, जो पीपल्स हैं लोग यानी हैं, वर कॉल्ड उनको बुलाया गया था फॉर ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन यानी ज़कात की तकसीम के लिए उनको बुलाया गया था। ईडी सोर्सेज सेड दैट नाइन बॉडीज वर टेकन टू द अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, ये ईडी के जो सोर्सेज है, जो ईडी के सोर्सेज हैं वो के उन्होंने कहा, सेट कहा दैट के नाइन बॉडीज़, जो नौ बॉडीज़ हैं यानी नौ जो लाशें हैं, वर टेकन उनको ले जाया गया टू द अब्बासी शहीद हॉस्पिटल यानी अब्बासी शहीद हस्पताल, अस्पताल ले जाया गया। वाइल टू वर टेकन टू द सिविल हॉस्पिटल, और कह रहे हैं कि वाइल जबकि टू दो जो बंदे हैं वर टेकन टू द सिविल हॉस्पिटल, और जो दो बंदे हैं उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया। ऑल डिसीज्ड, ऑल डिसीज्ड का मतलब है तमाम जो हलाक शुदगान हैं, जो तमाम मतलब जो लोग मर गए हैं उनका डिसीज्ड कहते हैं यानी जो तमाम हलाक हुए बंदे हैं। अकॉर्डिंग टू द ईडी सोर्सेज यानी ईडी के सोर्सेज के मुताबिक, brought to the Abbasi Shaheed Hospital, देखिए bring का जो second form है वो brought है और third form ही brought है, तो यानी ये second form है। ED sources said brought to the Abbasi Shaheed Hospital, यानी उनको लाया गया कहाँ पे, to the Abbasi Shaheed Hospital, Abbasi Shaheed Hospital लाया गया। were women among which three were younger girls, वर वोमेन यानी जिसमें खवातीन थी, अमंग, अमंग का मतलब है यानी इंक्लूडेड, विच थ्री वर यानी यंगर गर्ल्स यानी तीन उसमें से यंगर यानी टीन एज गर्ल्स थी, नौजवान लड़कियां थी उसमें शामिल थी। फैसल ईदी सेड, फैसल ईदी ने कहा। Taking notice of the incident, Governor Singh Kamran Tesori has sought a report from the Karachi Commissioner Muhammad Iqbal Memon. Kereji taking notice, yani notice lete hue of the incident, yani incident waqiye ka notice lete hue, Governor Singh Kamran Tesori has sought, yani usne क्या किया, सीक का सेकंड फॉर्म है सॉट यानी उसने मांग लिया, क्या मांग लिया, अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट मांग लिया फ्रॉम द कराची कमिश्नर मोहम्मद इकबाल मेमन, इससे रिपोर्ट मांग लिया। द गवर्नर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द लॉस ऑफ प्रीशियस लाइव्स इन द इंसिडेंट, ये कह रहे हैं कि जित गवर्नर, जो गवर्नर है, ऑल्सो यानी उसने भी एक्सप्रेस्ड ग्रीफ, उसने दुख का इजहार किया ओवर द लॉस, किस चीज़ के ऊपर, ओवर द लॉस ऑफ प्रीशियस लाइव्स इन द इंसिडेंट यानी कीमती जानों के नुकसान के ऊपर उसने दुख का इजहार किया। लाइव्स इन द इंसिडेंट यानी जो कि इंसिडेंट में नुकसान हुआ है। सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ऑल्सो,
took notice of the stampede. जो सिंध चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह ऑल्सो उसने भी took यानी ले लिया, टैग का सेकंड फॉर्म है took यानी ले लिया, notice ले लिया of the stampede यानी उस भगदड़ का जो incident है stampede incident उसका उसने notice ले लिया और रिपोर्ट उसने मांग ली। तो गाइस ये था एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल और होप के इसमें बहुत सारी वोकैबुलरी थी और आपने वोकैबुलरी कलेक्ट किया होगा, तो इंशाल्लाह आप इसी तरह अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहा करें। और ये था हमारा 71 वीडियो और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।